कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्रों की खबर। खड़गे के दामाद को गुलबर्गा से मिल सकता है टिकट। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में बंगाल के प्रत्याशी तय, सूत्रों की खबर। बहरामपुर से अधीर रंजन हो सकते हैं प्रत्याशी, मालदा साउथ से ईशा खान चौधरी हो सकते हैं कैंडिडेट। राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री तय, दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, एनडीए में शामिल होने और सीट शेयरिंग पर की चर्चा। राज ठाकरे ने 21 मार्च को बुलाई अहम बैठक, अपने नेताओं से दिल्ली में हुई बातचीत पर करेंगे चर्चा, एनडीए में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले पार्टी सांसद, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की घोषणा करने की मांग की। राज ठाकरे के बीजेपी में जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उधवगुट के सांसद अरविंद सावंत का निशाना। अमित शाह राज ठाकरे की मुलाकात पर उधवगुट का निशाना, कहा लग नहीं रहा बीजेपी 400 पार करेगी। एक तरफ एनडीए बढ़ रहा, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से लोग बाहर हो रहे, बीजेपी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष का बयान। राज ठाकरे के आने से महायुति की ताकत और बढ़ेगी, बीजेपी प्रवक्ता अतुल भातक खलकर का बयान। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का बयान, एनडीए में 2 से 3 दिन में हो जाएगी सीट शेयरिंग। कल आएगी एमवीए के उम्मीदवारों की लिस्ट, शरद गुट के नेता रोहित पवार का बयान। प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने की पेशकश की, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा खत। सुप्रीम कोर्ट से शरद गुट को झटका, अजीत गुट ही करेगा घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में जेएमएम को झटका, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर बोली सीता सोरेन, झारखंड को न्याय दिलाने के लिए पीएम मोदी के साथ है। जेएमएम का सीता सोरेन पर हमला, कहा घर का भेदी लंका ढाई। जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली सीता सोरेन का पार्टी छोड़ना दुखद, उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। सीता सोरेन को जो सम्मान जेएमएम में मिला वो कहीं और नहीं मिलेगा, नेता मनोज पांडे का बयान। सीता सोरेन ने बीजेपी में जाकर बड़ी गलती की, कांग्रेस नेता अजय कुमार का बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा सीता सोरेन की भूमिका पार्टी तय करेगी, वो बिना किसी शर्त के शामिल हुई। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, जेएमएम के विधायक ही अपने सरकार से दुखी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खत्म, एक लोकसभा सीट पर लड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एक एमएलसी सीट भी मिलेगी। पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, कहा हमारे साथ नाइंसाफी हुई, बिहार में एक भी सीट नहीं थी। पशुपति पारस के इस्तीफे से बिहार की सियासत तेज, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले बीजेपी का यही चरित्र, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव बोले पशुपति पारस को बहुत पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा, एनडीए में नाइंसाफी होती ही है। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोले विजय सिन्हा पुराने का सम्मान और नए का स्वागत करती है बीजेपी। जीतनराम मांझी का पशुपति पारस पर तंज, वो एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं थे। अली अशरफ फातमी ने छोड़ी जेडीयू, कल आरजेडी में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम का महागठबंधन पर तंज, एनडीए में हो गया सीट बंटवारा, जिनका नहीं हो पा रहा है वो बताएं। तमिलनाडु के सेलम में पीएम मोदी की रैली, कहा बीजेपी को मिल रहे समर्थन से डीएमके की नींद उड़ी। पीएम मोदी ने कहा जनता ने तय किया, तमिलनाडु में एक एक वोट बीजेपी और एनडीए को जाएगा। सांसद वाइको ने कहा पीएम मोदी लगातार झूठे वादे कर रहे, तमिलनाडु फिर साबित करेगा कि ये पेरियार की भूमि है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मैनिफेस्टो पर चर्चा, 5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देश बदलाव चाहता है, कांग्रेस ने 5 न्याय जनता के सामने रखे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, युवाओं महिलाओं और किसानों पर कांग्रेस का फोकस। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी घमासान, रविशंकर प्रसाद बोले बार बार हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं राहुल। रविशंकर प्रसाद के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सलमान खुर्शीद बोले बीजेपी राहुल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, राम मंदिर से लोकसभा चुनाव में खास फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल के सामने ही कांग्रेस नेता ने निकाली भड़ास, कहा सीएम रहते हुए भी 5 साल में नाकाम हुआ न सम्मान। सुरेंद्र वैष्णव को बघेल पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, गहलोत के करीबी रहे हनुमान खांगटा बीजेपी में शामिल। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बयान, जिस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे, 25 की 25 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को प्रताप खाचरियावास ने बताया डरपोक, कहा चुनौती से डर कर भाग रहे। शशि थरूर का एलडीएफ पर निशाना, कहा जो लोग वायनाड से राहुल की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे वही तिरुवनंतपुरम में एंटी बीजेपी वोट बांटने में जुटे। तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता, अंबुमणि रामदास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई रहे मौजूद। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधु बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का करेंगे विकास। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का कैबिनेट विस्तार, 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। सैनी कैबिनेट में अनिल विज को नहीं मिली जगह, 8 में से सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री बना, बाकी 7 को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। चुनाव आयोग से सपा ने मैनपुरी के डीएमएसपी को हटाने की मांग की, डिंपल यादव बोली यहां चुनाव अच्छा होगा। आईपीएस संजय मुखर्जी बने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, चुनाव आयोग ने की नियुक्ति। शांतनु सेन ने किया डेरेक ओब्रायन का समर्थन, कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार से सवाल, जब जम्मू में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करवा रहे तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कैसे कर रहे हैं।
टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा बोले लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी, बीजेपी की 2004 वाली नौबत ना आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी का किया बचाव, कहा संदेश खाली में हो रहा एक्शन बीजेपी इमेज खराब करना चाहती है। 22 मार्च को चंडीगढ़ में होगी अकाली दल की सीईसी की बैठक, दलजीत चीमा बोले चुनावी रणनीति को दिया जाएगा अंतिम रूप। हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज का बयान, लोकसभा की सभी सीटों पर पीएम मोदी ही हैं प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव प्रचार में जुटे, बोरीवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने आप नेता संजय सिंह, राज्यसभा सभापति धनखड़ की मौजूदगी में ली शपथ। चुनाव तैयारियों पर बोले उत्तराखंड डीजीपी, सभी पुलिस अधिकारी सख्ती से लागू करें आचार संहिता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, भारत की चीन के बेतुके बयान पर दो टूक। चुनावी बॉन्ड को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा ये चंदा नहीं वसूली है। तेलंगाना की गवर्नर सौंदर्य राजन का इस्तीफा मंजूर, प्रेसिडेंट मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर को सौंपा चार्ज। दिल्ली में एयरफोर्स के खिलाड़ियों का सम्मान, एयरफोर्स चीफ ने किया सम्मानित। आईएएस दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बने, चुनाव आयोग ने लगाई मोहर। सीए पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। शराब घोटाला केस की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज एमके नागपाल का ट्रांसफर, जज कावेरी बावेजा की हुई नियुक्ति। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सभी समन को अवैध बताते हुए दी चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी और आप में जुबानी जंग, संबित पात्रा ने पूछा समन से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। ईडी के 100 करोड़ के दावे पर आपका पलटवार, आतिशी बोली ईडी के पास लेन देन का कोई सबूत नहीं है। आतिशी ने कहा सीबीआई के जरिए भी केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश, अब नए फर्जी केस में भेजा समन। राजनीतिक हितों के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही बीजेपी, अरविंद लवली का बयान। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 7 अप्रैल तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। आरएसएस नेता श्रीनिवासन मर्डर केस में एनआईए का एक्शन, फरार पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बड़ा झटका, लखन भैया इनकाउंटर केस में बरी करने का फैसला रद्द। कार्ति चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 अप्रैल को पेश होने को कहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, यूसीसी को कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अंबाला में किया रोड शो, लोगों ने किया स्वागत। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी को जिताने की अपील की, कहा हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को दिया रोजगार। लखनऊ जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर घूस लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने 2 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा। मथुरा के बरसाना में खेली गई लठमार होली, बड़ी संख्या में जुटे लोग। होली और रमजान को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश। तमिलनाडु में एक टूरिस्ट गाड़ी पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 14 घायल। प्रयागराज में एक विवाहित महिला की मौत, लड़की के परिजनों ने ससुराल में लगाई आग। मुरादाबाद में रेलवे पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, जहर खुरानी गैंग का सरगना महेश साहू गिरफ्तार। देहरादून में सीएम धामी से मिले फिल्म स्टार्स राजकुमार राव, विजय राज और मल्लिका शरावती की मुलाकात। हरिद्वार में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, चुनावों के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। बेंगलुरु में दुकानदार से मारपीट पर फूटा गुस्सा, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, हनुमान चालीसा बजाने पर पीटा था। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन में शामिल हुए तेजस्वी सूर्या पुलिस ने हिरासत में लिया। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव का कबूलनामा, सिंगर फाजिल पुरिया की पार्टी में बनाया सांप का वीडियो। मिजोरम में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, 2.25 किलो से ज्यादा हीरोइन के साथ 2 लोग अरेस्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, 36 लाख के इनामी, 4 नक्सली ढेर। बेंगलुरु में फूड चेन मेघना फूड्स के ठिकानों पर आईटी की रेड, टैक्स चोरी के आरोपों पर छापेमारी जारी। लद्दाख में एयरफोर्स का ऑपरेशन सद्भावना, गंभीर रूप से बीमार लोगों को ले से चंडीगढ़ किया एयरलिफ्ट। तेलंगाना के नलगोंडा में पुलिस को सफलता, एक गाड़ी से 6.25 करोड़ का गोल्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा से एक कपल अरेस्ट, बस अड्डे पर बेच रहे थे ड्रग्स। आगरा के सिंधी मार्केट में लगी आग, 6 दुकानें जलकर खाक। जयपुर में सीएम भजन लाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। रूस में भारत के नए राजदूत बने विनय कुमार, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके दी जानकारी। मोदी के 405 टारगेट के लिए अमेरिका में हवन, सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के लोगों ने की पूजा अर्चना। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 736 और निफ्टी 238 अंक लुढ़का।